हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखलाने वाले हैं सिराथू ओवर ब्रिज। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखलाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड हम सिराथू पे आ चुके हैं सिराथू के अंदर, और आप पीछे हमारे जो ये बोर्ड देख रहे हैं यही है सिराथू ओवर ब्रिज का रास्ता। तो चलिए चलते हैं, आपको पूरा ओवर ब्रिज दिखलाते हैं। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है संत मलुक दास रेल उप गिरमामी सेतु लोक निर्माण। देख सकते हैं आप संत मलुक दास जी की मूर्ति भी बनी हुई है। और यही है और ये बोर्ड लगा हुआ है। जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हम ओवर ब्रिज के नीचे आ चुके हैं और ये नीचे का नज़ारा है। और हम आपको यहाँ पे दिखला रहे हैं कि नीचे से जैसे आप आ गए हैं, फंस गए हों, तो इस रास्ते से आप पुल के उस पार जा सकते हैं, आ सकते हैं। और इस साइड भी रास्ता बना हुआ है, उस साइड भी रास्ता बना हुआ है। फ्रेंड्स हम ऊपर आ चुके हैं सिराथू ओवर ब्रिज के ऊपर, और हमने आपको जो रास्ता दिखलाया है ये बिल्कुल सिंपल रास्ता है। इस साइड से आप उस पार से इस पार आ सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगी आपको। अब देख सकते हैं, अभी हमने उस साइड का आपको वीडियो दिखलाया, और ये इस साइड में पैदल आने जाने का रास्ता पूरा बना हुआ है। और यही है सिराथू का ओवर ब्रिज जो काफ़ी पॉपुलर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ऊपर हैं और आपको ऊपर का चारों तरफ का नज़ारा दिखला रहे हैं। तो जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इस ओवर ब्रिज से उस पार जैसे रामलाल के पुरवा है, दाता है, और बहुत से गांव है जहां आप जा सकते हैं, और आपको आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो जैसे फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सैनी बस स्टैंड से सिराथू आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर पड़ेगा, और आप आ सकते हैं सिराथू घूम सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आपने देखा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।